और गाइस ये देखें हमारी मुर्गी भाग गई, ये देखें इसे पूरे इलाके का चक्कर लगा लिया है, और 5 मिनट के बाद जो है ये पकड़ी गई है, वापस अपने शॉप पे चली गई और यहाँ पे बंदे ने पकड़ने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी छत पर आया हूँ। मैंने कहा रैबिट्स को और डक्स को मैं खाना डाल देता हूँ। घास पड़ा हुआ है, खरगोशों को घास डालते हैं। गाइस रैबिट्स को बाजरा बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ही मैंने उनको खोला डायरेक्टली इन लोगों ने जमीन पर बाजरा पड़ा हुआ वो खाना स्टार्ट कर दिया। क्यूटीज बस ये मूलियों में बस पड़ी हुई, मैं इनको मूलियाँ डाल देता हूँ। गैस में इनको खाना डाल दिया, पानी इनका पड़ा हुआ। ये हमारे पास हमारी डक्स है, इनको भी खाना डाल दिया। दोनों इकट्ठी बैठी हुई है। यहाँ मैंने मुर्गियों को डाल दिया है मूली के कुछ पत्ते, ये मजे से खा रही हैं। तो गाइस में ये मुर्गा और साथ में ये हमारे पास ब्राउन मुर्गी है, ये मैं लेके जा रहा हूँ ज़िबा करने के लिए, क्योंकि मुर्गी जो है वो अंडे नहीं दे रही और मुर्गा भी काम का नहीं है, तो इसलिए गाइस में ये दोनों लेके जा रहे हैं दुकान पे हलाल करने के लिए। गाइस मुर्गी ने 5 मिनट तक ना सब लोगों को अपने पीछे भगाया, बंदे के हाथ से निकल गई थी, अभी बंदा खुद उसके पीछे भाग रहा था। पूरी एक चौक में इसने पूरा चक्कर लगाया और अभी आके यहाँ पे पहुंची दुकान पे वापस। तो गाइस फाइनली मुर्गी जो है वो पकड़ी गई है और बंदे ने ज़िबा कर ली। और गाइस यहाँ पे आप देखें कितनी खूबसूरत मुर्गी है, साथ में उसके 3 चिक्स हैं, बहुत प्यारे उसके चिक्स हैं, ये देखें आप। ये गाइस ये देखें खुद खा रही है, साथ में अपने चिक्स को भी है बुला रही है कि वो भी आ जाए साथ में खाने के लिए। तो गाइस मुर्गी से बात करवा ली है और अभी घर लेके जा रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ एक मोई मोई वाला सीन हुआ, मोई मोई सीन हुआ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिंह? ये मैडम आप कौन है? गाइस हमारे साथ मोई मोई वाला सीन हुआ, मुर्गी उसने ज़िबा की, मुर्गी के अंदर छोटे छोटे अंडे बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि मुर्गी अंडे नहीं देगी, काफ़ी टाइम से इसने अंडे नहीं दिया। इसके साथ ही जो दूसरी मुर्गी है उसने अंडे देना स्टार्ट कर लिए थे, अंडे उसके तकरीबन 15-20 हो गए थे, जिसने अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया था। तो जैसे ही उसने ज़िबा के बीच में छोटे छोटे अंडे थे, मोई मोई वाला सीन हुआ भाई। तो गाइस मैं भी ऊपर आया हूँ, मुर्गी ने ये सॉरी मुर्गी ने जो अकेली रह गई है, इसने यहाँ पे अंडा दिया हुआ था, शोर मचा रही थी, तो गाइस ये अंडा उठा लेते हैं। हमने इसके साथ यहाँ पे प्लास्टिक के अंडे रखे हुए क्योंकि इसको आदत पड़ गई थी अंडे खाने की, इसने 2-3 अंडे खा लिए थे अभी माशाल्लाह। आज इसका तकरीबन 19वां अंडा है। तो गाइस इसके साथ इसके जो 2 पार्टनर थे वो दोनों हाथ से बह चुके हैं, तो ये बेचारी बड़ी अपसेट है, ये ढूंढ रही है कि वो कहाँ है। ये भी मुझे लगता है कुछ दिनों में शायद कुड़क हो जाए, तो उसको उसके नीचे हम लोग इसके नीचे हम लोग अंडे रखेंगे। मैं लाऊंगा कोई या तो सिल्की के लाए या टर्की बर्ड के अंडे में इसके नीचे रखूंगा, क्योंकि इसके जो अपने अंडे हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने खा लिए हैं। तो आज मेरे पड़ोसी दोस्त आया हुआ, तो उसने मुझे कहा कि डकलिंग्स लाऊँ, तो मैं गया ऊपर छत, और छत से मैं डकलिंग्स नीचे ले आया, उसे इनको अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। साथ में ट्यूशन के बच्चे भी आए हुए थे, कुछ 1-2 बैठे हुए थे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने आराम से जो है हमारे पास ब्लैक वाली जो डकलिंग है वो बैठी हुई है, जबकि दूसरी जो ग्रे कलर वाली है वो घूम रही है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ग्रे वाली। और ये यहाँ पे हमारे पास जवाब शक्लें बना रहा था।
तो गाइस यहाँ पे ये डकलिंग जो हमारे पास है ये इस बटन को खाने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसे लगा ये शायद कोई खाने की चीज़ है क्योंकि ये शाइन कर रही थी और ये बार बार ट्राई कर रहा था इसको खाने की, लेकिन खा नहीं सका क्योंकि ये तो प्लास्टिक का है। वो ये गिर गए ये देखें। तो गाइस बड़ी बहन ने शहराम की वीडियो भेजी है और शहराम बातें कह रहा था इतने मजे की। अब वो रिस्पॉन्स दे रहा था जो बात की जा रही थी उसका जवाब दे रहा था इतने मज़े से। ये देखिए आप माशाल्लाह 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 भी अच्छा हो गया। पहले से पहले काफ़ी कमज़ोर था और ये दुकान भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और माशाल्लाह बड़ा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जवाब दे रहा है रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।